हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तस्नीम दलवी, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी इन श्यांगू पाना ठाकुर कॉलेज न्यू पनवेल। आज का हमारा जो विषय है वो है सोशल मीडिया के बारे में। सोशल मीडिया यानी आज का जो युग है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सोशल मीडिया से अवगत नहीं है। यहाँ तक कि जो छोटा शिशु होता है उसे भी सोशल मीडिया के बारे में आज संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई है। अब हम देखते हैं कि सोशल मीडिया जो है वो आधुनिक युग में किस तरह से प्रभाव डालता है, यानी सोशल मीडिया आखिर क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। सोशल मीडिया वास्तविक समय के इंटरनेट आधारित संचार का मुख्य रूप है। इसका उपयोग वस्तुतः समुदायों और नेटवर्कों में विचारों और सूचनाओं के माध्यम से सामग्री बनाने, साझा करने और आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार का संचार आज और बढ़ते हुए कई सामाजिक प्लेटफॉर्मों के माध्यम से संभव है, जो उपयोगकर्ताओं को किसी भी समय और कहीं भी एक दूसरे के साथ बातचीत करने की अनुमति देते हैं। सोशल मीडिया हमारे आधुनिक संचार का अभिन्न अंग है और यह प्रासंगिक मित्रों या दर्शकों के बीच टिप्पणियों, शेयरों और पसंद के माध्यम से एक संवाद बनाता है। यह इस बात के लिए रास्ता प्रदान करता है कि हम खुद को वर्चुअली कैसे प्रस्तुत करना चाहते हैं, अपने निजी ब्रांड बनाना चाहते हैं या विपणक के रूप में किसी व्यवसाय की पेशकशों का वर्णन करना चाहते हैं, ग्राहकों के साथ जुड़ना चाहते हैं और भी बहुत कुछ। 2015 की पुस्तक सोशल मीडिया डिफाइंस डेवलपिंग एंड डिवाइनिंग में लेखक पॉलिब टी केयर और रेबेका एस ने इस शब्द की व्यापक रूप से स्वीकृति परिभाषा का वर्णन इस प्रकार किया है। सोशल मीडिया इंटरनेट आधारित असंयमित और बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत संचार के लगातार चैनल हैं, जो उपयोगकर्ताओं के बीच बातचीत की धारणा को सुविधाजनक बनाते हैं, जो मुख्य रूप से उपयोगकर्ता जनित सामग्री से मूल्य प्राप्त करते हैं। वे आगे इस परिभाषा को इस प्रकार दोहराते हैं कि सोशल मीडिया इंटरनेट आधारित चैनल है जो उपयोगकर्ताओं को व्यापक और संकीर्ण दोनों दर्शकों के साथ वास्तविक समय में या अतुल्यकालिक रूप से अवसरवादी रूप से बातचीत करने और चयनात्मक रूप से आत्म प्रस्तुति करने की अनुमति देते हैं। जो उपयोगकर्ता जनित सामग्री और दूसरों के साथ बातचीत की धारणा से मूल्य प्राप्त करते हैं। यहाँ साइंस डायरेक्ट पर बिजनेस होराइज़न्स जर्नल में एंड्रियास एम कलाफ और माइकल हैनलेन द्वारा सोशल मीडिया की एक और लोकप्रिय लेकिन केयर की परिभाषा से भी पुरानी परिभाषा दी गई है। सोशल मीडिया इंटरनेट आधारित अनुप्रयोगों का एक समूह है जो वेब 2.0 की वैचारिक और तकनीकी नींव पर निर्मित होता है और जो उपयोगकर्ता जन सामग्री के निर्माण और आदान प्रदान की अनुमति देता है। यानी इसके अंतर्गत हमने देखा कि सोशल मीडिया क्या होता है, किस प्रकार से इसके अंतर्गत बहुत सारी साइट्स होती है, जैसे वेब फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या अन्य लोगों के दृष्टि में सोशल मीडिया की क्या परिभाषा है उसके बारे में हमने देखा। अब यहाँ पर सोशल मीडिया के प्रकार, यानी सोशल मीडिया जो होता है इसके कई प्रकार है, जिसमें हमने कुछ प्रकार देखने हैं। पहला जो प्रकार बताया गया है फेसबुक। फेसबुक सभी लोग इसे भली भांति जानते हैं, फिर भी हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। फेसबुक अंतरजाल पर स्थित एक निःशुल्क सामाजिक नेटवर्किंग सेवा है, जिसके माध्यम से इसके सदस्य अपने मित्रों, परिवार और परिचितों के साथ संपर्क रख सकते हैं। यह मेटा प्लेटफॉर्म नामक निजी कंपनी द्वारा संचालित है। इसके प्रयोगकर्ता नगर, विद्यालय, कार्यस्थल या क्षेत्र के अनुसार घटित कई किए हुए नेटवर्क में शामिल हो सकते हैं और आपस में विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। इसका आरंभ 2004 में हार्वर्ड के एक छात्र
मार्क जुकरबर्ग ने की थी। तब इसका नाम द फेसबुक था। कॉलेज नेटवर्किंग जनस्थल के रूप में आरंभ के बाद शीघ्र ही एक यह कॉलेज परिसर में लोकप्रिय होती चली गई। कुछ ही महीने में यह नेटवर्क पूरे यूरोप में पहचाने जाने लगा। अगस्त 2005 में इसका नाम फेसबुक कर दिया गया। फेसबुक में अन्य भाषाओं के साथ हिंदी में भी काम करने की सुविधा है, साइट्स हैं जिसके माध्यम से हर पल की खबर अच्छी हो या बुरी मैसेज से शेयर की जा सकती है। बदलते वक्त के साथ फेसबुक में खुद को बहुत अपडेट कर लिया है, जिस पर व्यक्ति को हर छोटी से छोटी न्यूज, रिपोर्ट, शॉपिंग, आइडिया, प्रॉप, कुकिंग, वीडियो और भी छोटी सी बात पता चलती है या फेसबुक से लगाई जा सकती है। फेसबुक के बारे में हमने क्या जानकारी प्राप्त की इसके अंतर्गत? आपको ये याद रखना है कि फेसबुक जो है ये एक मेटा प्लेटफॉर्म नामक एक निजी कंपनी द्वारा प्रयुक्त किया गया है और 2004 में जो हार्वर्ड के एक छात्र मार्क जुकरबर्ग ने इसकी स्थापना की थी। पहले तो ये द फेसबुक के नाम से जाना जाता था आरंभ में, लेकिन 2005 में इसका नाम पड़ गया फेसबुक। आज जो है भली भांति लोग फेसबुक के बारे में जानते हैं। कुछ भी अपने अपने विचारों का आदान प्रदान करना हो या अपनी पिक्चर पोस्ट करनी हो तो वो इस माध्यम के द्वारा करते हैं। दूसरा हमारा जो माध्यम है वो है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप मैसेंजर या व्हाट्सएप एक प्रकार का त्वरित संदेश भेजने और प्राप्त करने वाला मोबाइल ऐप है, जिसे अमेरिकी कंपनी मेटा ने खरीदा है। इसमें लोग अपने मोबाइल के द्वारा पाठ्य संदेश के साथ साथ आवाज, छवि और जीपीएस के द्वारा अपना पता भी भेज सकते हैं। इसके द्वारा वॉइस और वीडियो कॉल भी किया जा सकता है, जिसमें इंटरनेट का डेटा इस्तेमाल होता है। इस ऐप को डेस्कटॉप कंप्यूटर पर भी चलाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए अपने व्हाट्सएप वाले मोबाइल को भी इंटरनेट से जोड़ना होता है। यह अकाउंट बनाने के लिए लोगों के मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करता है और कॉन्टेक्ट लिस्ट के द्वारा सभी व्हाट्सएप का उपयोग करने वालों की सूची भी अपने ऐप में दिखा सकता है। जनवरी 2008 में फेसबुक के नेतृत्व में व्हाट्सएप ने एक नया व्यापार ऐप व्हाट्सएप बिजनेस शुरू किया, जिसके द्वारा कंपनी अपने ग्राहक से सीधे व्हाट्सएप के जरिए बात कर सकती है। आज व्हाट्सएप इतना प्रचार प्रसार व्हाट्सएप का हो गया है कि लोग व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ भी सकते हैं और अपने व्यवसाय का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। तीसरा हमारा जो माध्यम है वो है ट्विटर। ट्विटर जुलाई 2023 से एक्स के रूप में पुनः ब्रांडेड एक ऑनलाइन सोशल मीडिया और सोशल नेटवर्किंग सेवा है, जो ट्विटर इंक की उत्तराधिकारी अमेरिकी कंपनी एक्स कॉर्प द्वारा संचालित है। ट्विटर पर पंजीकृत उपयोगकर्ता टेक्स्ट, चित्र और वीडियो पोस्ट कर सकते हैं। उपयोगकर्ता पोस्ट, ट्वीट, लाइक, रीपोस्ट या रीट्वीट, टिप्पणी और उद्धरण पोस्ट कर सकते हैं और अन्य पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को सीधा संदेश भेज सकते हैं। उपयोगकर्ता ट्विटर के साथ ब्राउजर या मोबाइल फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर के माध्यम से या प्रोग्रामेटिक रूप से इसके एप्लीकेशंस, प्रोग्रामिंग इंटरफेस एपीआई के माध्यम से बातचीत कर सकते हैं। ट्विटर का पूरा नाम टाइपिंग व्हाट आई एम थिंकिंग दैट एवरीवन रीड्स है। इसका मतलब है कि कुछ ऐसा लिखो कि हम सोच रहे हैं तथा जिसे सभी पढ़। ट्विटर पर 50 करोड़ से भी अधिक एक्टिवेट यूजर हैं, जिसमें ज्यादातर अपने मोबाइल या टैबलेट से इसका उपयोग करते हैं। यह एक प्रकार का सोशल मीडिया एप्लीकेशन है जो अपने यूजर्स को एक ऐसा स्थान प्रदान करता है जहां वे अपने विचार, जानकारियां या चुटकुले को शेयर कर सकते हैं। चौथा हमारा जो माध्यम है वो है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम एक मोबाइल, डेस्कटॉप और इंटरनेट आधारित फोटो साझाकरण एप्लीकेशन है, जो उपयोगकर्ताओं को फोटो या वीडियो को सार्वजनिक रूप से या निजी तौर पर साझा करने की अनुमति देता है। इसकी स्थापना केविन सिस्ट्रॉम और
माइक ग्रेगर के द्वारा 2010 में की गई थी और अक्टूबर 2010 में iOS ऑपरेटिंग सिस्टम में के लिए विशेष रूप से निशुल्क मोबाइल ऐप के रूप में लॉन्च किया गया था। इंस्टाग्राम पर आज पंजीकृत सदस्य अनगिनत संख्या में तस्वीर और वीडियो साझा कर सकते हैं, जिसमें फिल्टर भी बदल सकते हैं, साथ ही इन चित्रों के साथ अपना लोकेशन यानी स्थित जोड़ सकते हैं। इसके अलावा जैसे ट्विटर और फेसबुक में हैशटैग जोड़ने जोड़े जाते हैं, वैसे ही इसमें हैशटैग लगाने का विकल्प है। साथ ही फोटो और वीडियो के अलावा लिख कर पोस्ट भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम स्टोरी फीचर्स के द्वारा उन वीडियो और फोटो को ब्राउज कार्ट किया जा सकता है जो इंस्टाग्राम से 24 घंटे के बाद गायब हो जाते हैं। धन्यवाद।